आज हम लोग एक कंसेप्ट डील करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे बच्चों को हमेशा एक डाउट रहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है, और कई बार बच्चे जो होते हैं वो इसको लेके कंफ्यूज भी रहते हैं और क्वेश्चन करते समय बहुत उनको दिक्कत भी होती है, कब पॉजिटिव क्या नेगेटिव वगैरह वगैरह ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं उनको। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसी पे डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि रिटार्डेशन क्या होता है। देखो जब भी, अच्छा जब आप नेगेटिव एक्सेलरेशन सुन रहे हो ना, तो आपके दिमाग में रिटार्डेशन वर्ड आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि रिटार्डेशन क्या होता है। सिंपल आप जो बोला जा रहा है उसको सुनिए। पॉजिटिव और निगेटिव साइन जब भी हम वेलासिटी या एक्सेलरेशन के साथ यूज करते हैं तो ये उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर सुना आपने क्या कहा मैंने, जब भी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन के साथ साइन यूज किया जाता है, पॉजिटिव साइन यूज करें आप या निगेटिव साइन यूज करें आप, तो ये उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी भी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, आप भी समझ रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है +5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है +5 मीटर पर सेकेंड का, यहां पे जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वेलोसिटी बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन डायरेक्शन। ये जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट ऐसे ही मैं बोलूं वेलोसिटी इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये जो माइनस है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अ पार्टिकल, आप बोलोगे जो अ पार्टिकल मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी यदि मैं बोलूं वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे मैं बोलूं एक्सीलरेशन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सीलरेशन बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो साइन है ये डायरेक्शन को बता रहा है, ना कि रिटार्डेशन वगैरह। खैर रिटार्डेशन आप दिमाग में लेके आना भी मत कि रिटार्डेशन यहां पे कुछ, हम पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब समझ रहे हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के सेंस में। तो एक्सीलरेशन बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। यानी जब भी हम साइन यूज करेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साथ, तो ये जो साइन है ये हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे, ठीक है। ये साइन का कंसेप्ट है। जैसे सपोज कर लो आप कि एक बॉल है जिसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। कितने से थ्रो किया, 50 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया, और पॉजिटिव डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ ले रहे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम +50 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे,
क्योंकि वेलासिटी अपवर्ड है, अपवर्ड है मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन यहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, उसको डाउनवर्ड है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जी नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम उसको माइनस, नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है। कैसे, ऊपर को पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड अपने आप निगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे माइनस जी या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं पर यदि मैं डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए बॉल को ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और कोई स्टूडेंट अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव के जगह पे अपवर्ड को निगेटिव ले ले, अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव एज्यूम कर ले, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के निगेटिव एज्यूम करता है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे माइनस 50, ये 50 है, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को हम प्लस जी, क्योंकि डाउनवर्ड में जी है और डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि अपवर्ड निगेटिव है, ठीक। तो हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एग्जैक्ट ऐसे ही सपोज कर लो आपने किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और कहा जाए यार साइन आप पहले डिसाइड कर लोगे, तो यदि साइन को आप डिसाइड करते हो और मान लो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड लिया है, ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव हमने अपवर्ड डायरेक्शन को माना है। एक्सेलरेशन को भी हम लिखेंगे क्या, निगेटिव साइन से, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे यानी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हमने निगेटिव माना है, तो ये हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि सेम क्वेश्चन में ये बॉल है जिसको 50 मीटर पर सेकंड से हमने डाउनवर्ड फेंका था, ठीक है, यदि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे प्लस 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन को भी हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां पर आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जो साइन होता है पॉजिटिव और निगेटिव, ये केवल किसको बताता है, डायरेक्शन को, न कि अदर कोई चीज बताता है, ठीक है ना। यहां से आपको बात समझ में आई होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन हम यूज करते हैं वो डायरेक्शन को बताता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के सेंस में। अब थोड़ा हम लोग रिटार्डेशन की बात करते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। देखो रिटार्डेशन की थोड़ा हम बात करते हैं। देखो रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी का घटना, ठीक है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का घटना, और वेलोसिटी जब भी घटेगी, ठीक, हम इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। फिर सुन लो, रिटार्डेशन कहिए या डिसेलरेशन कहिए, रिटार्डेशन कहिए या डिसेलरेशन कहिए, इसका मतलब है वेलोसिटी का घटना, और वेलोसिटी जब भी घटेगी एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट होगा, जैसे, और जब भी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे यहां पर देखो आप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को यदि डायरेक्शन में सेम लूं तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी इधर ले लूं और राइट में, और एक्सेलरेशन को मैं इधर ले लूं, तो यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर डीएक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, और इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहेंगे। तो जब भी रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन से सेंस होता है, मतलब होता है कि वेलोसिटी का घटना, और वेलोसिटी घटे इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे अब समझना आगे की बात, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी राइट में है और एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, ठीक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी रिटार्डेशन होना कंफर्म है, ठीक, रिटार्डेशन होना कंफर्म है, यानी कि वेलोसिटी का घटना कंफर्म है। यदि मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ठीक। सेम क्वेश्चन में
इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, यदि मैं राइट डायरेक्शन को निगेटिव लूं, राइट डायरेक्शन को निगेटिव लूं, तो इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड में है यानी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो मैं इसको निगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, और एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। रिटार्डेशन यहां पर भी हो रहा है, रिटार्डेशन यहां पर भी हो रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए निगेटिव साइन हुआ है यूज, इसलिए नहीं कि रिटार्डेशन हो रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव माना है, तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन यूज किया है, इसलिए नहीं कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना, और वेलोसिटी घटेगी तभी जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो। ठीक है, आइए थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक बिल्डिंग है, टावर है, आप जो समझ लें, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 100 मीटर है। ठीक है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया 50 मीटर पर सेकेंड से, कितने देर बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके टॉप पॉइंट से एक बॉल को ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल कम ऑन द ग्राउंड, कितने टाइम बाद बॉल ग्राउंड पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, न कि हाइट है। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वर्टिकल। एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वर्टिकल। इनिशियली बॉल यहां पर थी, फाइनली बॉल ऊपर जाके नीचे आके यहां पर आएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालना आप पहले से भी जानते हो, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से आप एक एरो से मिलाइए, एरो का जो डायरेक्शन होगा वही आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। ठीक, यदि यहां पर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड लूं, क्या लूं? पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड लूं, ठीक, तो एच नीचे की तरफ है। एच किधर है? मींस डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर। तो यहां पर एच की वैल्यू मैं -100 लिखूंगा। क्यों -100 लिखूंगा? 100 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है इसलिए 100, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है इसलिए मैं यहां पर निगेटिव साइन यूज करूंगा। यू की बात करें, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल। तो अलोंग वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको 50t लिखूंगा। ठीक, एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है और नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है इसलिए मैं जी को माइनस लिखूंगा। 1/2 जी की वैल्यू जो है 10, और ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया -100, ये हो गया 50t, और ये हो गया -5t स्क्वायर। 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया -20, और ये हो गया 10, और ये हो गया टी स्क्वायर। आप इसको अरेंज करिए, टी स्क्वायर -10t -20 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से आप सॉल्व करके टी कैलकुलेट कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए यूज नहीं किया है कि रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है। मैंने नेगेटिव साइन यहां पे यूज किया है ड्यू टू डायरेक्शन। एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन यूज किया। यहां पर पॉजिटिव साइन लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव साइन यूज किया। यहां पर मैंने माइनस साइन यूज किया, क्यों माइनस साइन यूज किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में कलर चेंज कर देता हूं, जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन है कि ये बिल्डिंग है, टावर है, जो भी है, यहां से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा? क्वेश्चन है, हाइट वही है 100 मीटर, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा? क्वेश्चन सेम है, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा? तो ग्राउंड पर आने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग वर्टिकल। इनिशियली बॉल यहां पर थी, बॉल ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर बॉल यहां पर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालना आप पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से आप एक एरो से ज्वाइन करते हो। एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड में है और यहां पर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया था, यहां पे डाउनवर्ड में पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक, डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब आप देखो, इनिशियली बॉल यहां थी, फाइनली यहां पर है। डिस्प्लेसमेंट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया, तो अब एच को मैं प्लस 100 लिखूंगा। क्यों प्लस 100? क्योंकि अब मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। यू को अब मैं निगेटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि अब अपवर्ड निगेटिव हो गया और वेलासिटी निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये -50t हो गया। ठीक है, और अब जी को मैं पॉजिटिव लूंगा। अब मैं जी को क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा 10t2। कोई दिक्कत बच्चे? आगे बढ़ते हैं। फिर आप 2 से, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका -10t हो जाएगा और ये आपका +5t2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से देखो आप 5t2 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 5 × 20। ठीक है, नहीं ये तो डिवाइड ही कर दिया था, ये गड़बड़ हो गया, ये 100 है। ठीक है, जब डिवाइड करोगे 5 से तो ये 20 हो गया। ठीक है, ये -2t हो गया और ये आपका क्या? नहीं, ये आपका देखो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 से आप डिवाइड करो तो ये आपका 20 हो गया, ये आपका -10t हो गया और ये आपका +t2 हो गया। ठीक है, बस अरेंज कर लो। अब आप इसको t2 - 10t, ठीक है, -20 = 0, यहां से आप सॉल्व करिए, देखिए आपको सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन आपको सेम मिला है, इसलिए आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलेरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन को हम मिक्स नहीं करेंगे, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है बच्चों, ओके, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके बच्चों।